देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म एन इमेज 28 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। दिस इज योर क्वेश्चन, गिविंग यू 1 मिनट टू ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट। नाउ क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है दैट वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट, इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब होगा कि ये जो यू है ये हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है यू की वैल्यू निकालनी है। ओके तो यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ मुझे कितनी दी गई रखी हुई 20 सेंटीमीटर, इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ठीक है तब। और जो इमेज बन रही है वो कितनी बन रही है, 28 सेंटीमीटर में बन रही है, तो इसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि कहीं पर भी नहीं बोला है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है या फिर इमेज वर्चुअल है, ठीक है। सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/(m) माइनस 20 शुड बी इक्वल टू 1/(m) माइनस 28 प्लस 1/(u)। ये माइनस 28 वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 1/20 प्लस 1/(m) 28 इक्वल्स टू 1/(u)। ओके 20 और 28 का जब एलसीएम निकालोगे तो आएगा 140, 140, यहाँ आ जाएगा माइनस 7 और यहाँ आ जाएगा 5, माइनस 2, तो आ जाएगा माइनस 2 अपॉन में 140 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में u, दैट कम्स टू माइनस 1/70 इक्वल्स टू 1/u, दैट मींस u इज इक्वल्स टू शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ convex mirror of focal length 10 centimeter to get an image eight centimeter behind the mirror to get an image 8 centimeter behind the mirror. Try karo ise. Where should an object be kept in front of a convex mirror? Dhyan do, is bar hum logon ne mirror kaun sa diya hai? Convex. Aur convex mirror mein focal length kya hoti hai? Positive hoti hai. To yahan pe focal length kitni lenge? Plus 10 centimeter lenge. ठीक है ना, जो इमेज बनी है वो बनी है 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बनी मतलब पोल के राइट साइड पे बनोगी, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, प्लस में, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। दैट मींस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/u, दैट मींस 1/10 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 1/u, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा कितना, 5, माइनस 1/40 इज इक्वल्स टू 1/u, सो u कम्स टू माइनस 40। क्या इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए था? हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है। क्या बेटा, माइनस वर्चुअल दिया होता तो पॉजिटिव लेते, अगर ऐसे मतलब और कुछ किया होता जैसे जैसे इमेज इरेक्ट है तो भी आप पॉजिटिव लोगे, क्योंकि इमेज इरेक्ट है तो व्हाट्स पे लोगे। दीदी एक सेकंड, दीदी एक कोई फार्मूला मैम ने बताया था आज, कोई लिस्ट बनवाई थी, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा लेवल थोड़ा सा बढ़ा रही हूं। दिए देखो, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ये काम का कॉनकेव
मिरर फॉर्म्स फोर टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, फोर टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट केप्ट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट. फाइंड द फोकल दी लेंथ, फाइंड ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? साइन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, साइन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर. ट्राई करो इसे. -4 इसलिए लिया क्योंकि बेटा जो हमारा मिरर था वो कौन सा था? कॉनकेव मिरर था, ठीक है? क्योंकि हमारा मिरर कॉनकेव था तो यहाँ पे 90% केसेस में, यहाँ पर 90% केसेस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है. सिर्फ एक केस रहता है जब आप मैग्निफिकेशन क्या कर सकते हो, पॉजिटिव दे सकते हो. और वो केस कब होता है? जब आपको क्वेश्चन में देखे रखे जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है. वरना हम लोग हमेशा अजम्पशन लेते हैं क्या, कि इमेज क्या होगी, रियल होगी, शांति, ठीक है ना? अब ऐसे में क्या होता है बेटा, कभी आपके दिमाग में ख्याल आ भी रहा है कि नहीं, हो सकता है ऑब्जेक्ट क्या हो, फोकस के बीच में हो, ठीक है? तो ऐसे में जब ऐसा ख्याल आए तो इस क्वेश्चन में दो केस लेना. केस वन कि इमेज क्या है, रियल. और केस टू क्या लोगे कि इमेज क्या है, वर्चुअल है. तो केस वन तो हम लोगों ने देख लिया कि इमेज क्या है यहाँ पर, रियल. और क्योंकि इमेज रियल है तो हमने मैग्निफिकेशन कितना लिया, -4. साक्षी मिर्जा क्वेश्चन समझा रही हूँ, ध्यान से देख. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U = -4. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. वी अपॉन में आपको डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 15. तो इधर की जगह क्या लिखा, -15, ठीक है? तो -15 × 4 वुड बी कितना, -16. अब मेरे पास वी की वैल्यू कितनी आ गई, -16. यू की वैल्यू ऑब्वियसली पहले से ही क्वेश्चन में दी हुई थी, कितनी, -15. तो पूरे को सॉल्व किया तो आंसर आया कितना, -12. हाँ, अब अगर तुम्हें लगता है नहीं नहीं यार, कृष्णा और मिश्रिका को लगता है नहीं हमारा आंसर भी करेक्ट होता, तो बेटा अगर तुमको अपना आंसर करेक्ट प्रूव करना है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा आंसर करेक्ट ही है. सिर्फ उसमें एक अजम्पशन डालना है क्या, केस टू का, वर्चुअल, कि जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, ठीक है? तो अगर इफ द इमेज इज वर्चुअल तो एम कितना हो जाएगा, 4. दैट मीन्स -V/U वुड बी कितना, 4. दैट इज -V/-15 वुड बी कितना, 4. माइनस से माइनस कैंसिल, हमारे पास v आ जाएगा 60 सेंटीमीटर. ओके, नाउ 1/f इज इक्वल्स टू 1/60 प्लस 1/-50. 1/f इज इक्वल्स टू 1/60 माइनस 1/15, ठीक है? 1/f इज इक्वल्स टू 60, एलसीएम ले लेंगे इसका, 1 - 4. 1/f is equals to -3/60, तो f would be कितना, -20 सेंटीमीटर, ठीक है? अब कुछ बच्चों का सवाल है कि MCQ होगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन MCQ में आता है तो हमेशा द क्वेश्चन पेपर सेटर मेक श्योर कि वो आपको बता देगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल. तो ऐसे में अगर इमेज क्या है, रियल है, तो हमें साइन कैसा लेना है, नेगेटिव. और अगर इमेज वर्चुअल है तो हमें मैग्निफिकेशन कैसा लेना है, पॉजिटिव. इज इट क्लियर टू एवरीवन? फ्री हो जाना तब सर. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter to form a 3 times magnified
इमेज। ये क्वेश्चन बिल्कुल पुराने जैसे क्वेश्चन जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग और तुम्हें लगाना पड़ेगा। अंग्रेजी गई।